हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं आलू की चाट। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे घर पे भी बहुत आसानी से बना सकती है। आलू की चाट सभी को बहुत पसंद होती है और हम घर पे ही रहते हैं तो कुछ ना कुछ नया खाने को मन करता ही है। बाहर से तो हम इसे खा ही लेते हैं लेकिन हम इसे घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो जब भी आपका दिल करे आप घर पे इसे बहुत आसानी से बना के खा सकते हैं। तो चलिए, मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आलू की चाट की रेसिपी शेयर कर लूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। मैंने आलू ले लिए चार बड़े, इन्हें धो के साफ कर लेंगे छील के। उसके बाद इन्हें ऐसे मोटे टुकड़े काटेंगे, ऐसे इस तरीके से, बस इतने ही मोटे टुकड़े काटने हैं। ऐसे ही मैं सारे आलू काट लूंगी। फिर इन्हें आप पानी में भिगा दीजिए थोड़ी देर के लिए ताकि आलू का सारा स्टार्च निकल जाए। अब मैंने गैस पर कढ़ाई ले ली है, उस पर तेल रख दिया गरम करने के लिए। अब हम चटनी भी बना लेते हैं इसकी। मैंने सोचा आलू की चाट के साथ साथ इसकी चटनी भी बना ली जाए। तो मैंने चटनी बनाने के लिए एक कटोरी चीनी ले ली थी, उसी कटोरी से मैंने डेढ़ कटोरी पानी डाल लिया है और एक कटोरी चीनी डाल दी। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। चीनी को थोड़ा चलाते हुए पका लेंगे ताकि ये तली ना लगे, इससे चीनी जल जाती है तो चटनी का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है, आलू को एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तेल को पहले गर्म कर ले, फिर उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम रखें। उसके बाद हम उसमें एक एक करके आलू डाल लेंगे। और आलू को लो फ्लेम में तल लेंगे अच्छे से ताकि अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आलू को लो फ्लेम पर तलने के लिए छोड़ देते हैं, हम चटनी बना लेते हैं। पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है, इसमें मैंने एक चम्मच काला नमक डाल दिया है, एक चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरे को मैंने तवे पे भून लिया था, उसके बाद मैंने इसे पीस लिया। एक चम्मच मैंने पीसी हुई सौंफ डाल ली है। अब हम इसमें दो चम्मच देगी मिर्च डाल लेंगे, इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब इसमें एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको तीखा पसंद है तो ही डालें। अब हम इसमें दो चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच काली मिर्च डाल लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो ही करी है। अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच सादा नमक डाल लेंगे। अब चटनी को अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। चटनी हमारी लगभग तैयार हो ही चुकी है। चटनी को अच्छे से मिक्स कर ले ताकि मसालों की गुठलियाँ ना बने। देखिए हमारे आलू भी थोड़ा क्रिस्पी होने लग गए हैं। थोड़ा सा चला लेंगे इनको। अब हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये चटनी आप किसी भी स्नैक्स के संग, पकौड़े के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आपका दिल जब करे आप घर में ये चटनी बना के रख लें, ये कम से कम एक हफ्ते तक खराब नहीं होगी। अब हम गैस बंद कर देते हैं, चटनी हमारी तैयार हो चुकी है।
आलू भी हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, देखिए अंदर तक अच्छे से गल गए हैं। इन्हें भी साइड में थोड़ा सा रोक के निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। मैं इसमें दूसरे बार के आलू तलने के लिए डाल देंगे। अब हमारे आलू थोड़े ठंडे हो गए, हम इन्हें ऐसे हाथों से टिश्यू पेपर में रख के हल्का सा दबा के ऐसी शेप बना लेंगे आलू की सारी। चाहे तो आप चम्मच से भी कर सकती हैं या कटोरी से भी कर सकती हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप उसी से आलू की ऐसी शेप दे दें। देखिए हमारे सारे आलू तैयार हो गए हैं। अब हम इन आलू को दोबारा फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल हाई फ्लेम में फ्राई करना है और आलू को बिल्कुल करारा होने देंगे ब्राउन कलर का। उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। आलू एक एक करके डालें नहीं तो ये चिपक जाएंगे। देखिए अब ये ब्राउन हो गए, क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें साइड में थोड़ा सा रोक के आप टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लें। देखिए हमारे आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बनके। अब हम गरम गरम के आलू के ऊपर चटनी डालेंगे। तो देखिए तैयार हो चुकी है हमारी आलू की चाट घर पे बहुत आसानी से। तो बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है, आप घर पर ही बना सकती हैं इसे बहुत आसानी से। घर पे ही बनाएं और खाएं। अगर आपके पास चाट मसाला है तो इसमें आप थोड़ी सी ऊपर से चाट मसाला भी डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें।